अब बात नगर निकाय चुनाव की। बुधवार को नगर निकाय के दूसरे चरण के लिए वोट डाले गए, 57.17% वोटिंग हुई है। और पटना में भी जो बात कर ली जाए, 39.17% वोटिंग हुई है। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर आम से लेकर खास तक में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कड़कड़ाती ठंड में भी लोग घर से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल किया। निकाय चुनाव का दंगल, ईवीएम में कैद हुई किस्मत, दिग्गजों ने डाले वोट। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर दिग्गजों का उत्साह देखिए। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी तक ने वोट डाले। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत लोगों को जानते हैं जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके आए, ये हम लोग चाहते हैं। और आप जान रहे हैं शहरी विकास मंत्रालय भी हमारे अंतर्गत है और उसको देखते हुए सब लोग जो हैं पार्टिसिपेट चुनाव में करें, ये बेहद ज़रूरी है। और आज तो ठंड भी ज़्यादा है, लेकिन लोगों से यही अपील है कि घर से बाहर निकल के मत का प्रयोग करें। नहीं देखिए, नगर निगम चुनाव के अंदर लोगों में जितनी जागरूकता होनी चाहिए उस जागरूकता का अभाव दिखाई पड़ रहा है और लगता है कि पोलिंग 25% भी पार करना मुश्किल होगा। तो लोकतंत्र के अंदर मतदान का जो अधिकार है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि अभी भी समय है, दिन भर का समय है, ठंड है, उसके बावजूद घरों से निकले और अपना वोट जरूर दें। जो आखिरी चरण के मतदान में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बदलाव क्या चाहता आदमी, बदलाव वही चाहता है, नगर का, मोहल्ला का, मतलब विकास होना चाहिए। आपने अपने मत का प्रयोग किया है, किसके सर पर पहना रहे आप? तो देखिए, तो सीक्रेट है और अपना मत हम दिए हैं, चुने हैं। अब क्या बदलाव चाहते इस बार पटना में, क्या बदलाव चाहते? देखिए, पटना में तो अवश्य तो हम लोग सरकार में हैं और जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो तो काम करने के लिए जनता के हित का जो मुद्दा होगा उसको उठाता है। पटना नगर निकाय के दूसरे चरण में सांसद रामकृपाल यादव ने भी अपना वोट कास्ट किया। जमाल रोड के संत जीसस स्कूल में सांसद रामकृपाल यादव ने वोट डाला। सीधे तौर पे अब यहाँ की जनता जो है 17 लाख मतदाता लगभग अपना मेयर और डिप्टी मेयर चुनने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐतिहासिक दिन है कि बिहार में नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग यानी प्रत्यक्ष वोटिंग के आधार पर हो रहा है, तो मैंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पटना की जनता कर रही है, बिहार की जनता कर रही है, और इस निर्णय से और अधिक दायित्व तो बढ़ेगा, जिम्मेवारी बढ़ेगी और जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो बढ़ेगा। भागलपुर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने पत्नी और बेटे के साथ वार्ड नंबर 32 के कृषि भवन में वोट डाला। इतने बार खुशी हो रही है कि मेयर का चुनाव, जो मैं विधानसभा में सवाल उठाया था कि जैसे विधायकों का चुनाव होता है, सांसद का होता है, वैसे ही मेयर का भी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मेयर फर्स्ट सिटीजन ऑफ द टाउन होते हैं नगर निगम के, और इस बार शुरुआत हुई है बिहार में आज़ादी के बाद से, इसलिए मुझे लगता है कि जनता सोच समझ के वोट देगी, विकास के नाम पर देगी और शहर का विकास सही ढंग से हम लोग मिलजुल के विधायक और मेयर करें। इसके लिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो कि विकास करे। कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। नालंदा में बिहार शरीफ ब्लॉक के पटेल नगर इलाके में वोटिंग के दौरान दो गुटों में भिड़ंत हो गई। दोनों गुट के बीच मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कटिहार में निकाय चुनाव के मतदान के दौरान बूथ संख्या 4, 5 और 6 पर हंगामा देखने को मिला। बूथ पर पहुंचे 3 प्रत्याशी और बूथ एजेंट के बीच जमकर तूतू मैमै। पूछने वो सही आदमी आया
और खड़ा हुआ ये लोग आया कहने लगा कि हटिए हटिए यहाँ से जाइए जाइए। कौन खड़ा हुआ कौन आया बताइए? नाम हम जानते हैं उनका। क्या वो पार्टी कैंडिडेट है क्या? क्या है नहीं है तो आया यहाँ खड़ा हुआ और यहाँ बैठा था, उठ के कहा पूछा कि आप कहाँ खड़ा है? भीड़ लगी हुई थी? न भीड़ कुछ नहीं था, देखिए रहे हैं सामने। हॉट टॉक क्यों हो रहा था? वैसा ही कहे आके आप खड़ा हुए तो यहाँ पे खड़ा रहना है क्या? नहीं खड़ा नहीं। क्या कर रहे थे? तो हम गए कहे कि आप कहे खड़ा हो गए तो हम आए हैं इलेक्शन। सीवान में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई जिसमें दो लोग जख्मी भी हो गए। दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वार्ड नंबर 35 में बूथ हो रहा था, बूथ नंबर 1 और 2 पे सब कुछ नॉर्मल स्थिति में चल रहा था। लेकिन वार्ड नंबर 41 का जिसका नाम रिज्जू है, उसका बेटा का नाम अकरम है, सन्नी और एक दो आदमी उसके साथ और थे, जो जबरदस्ती वहाँ पे आके धांधली कर रहे थे वोटिंग में, वो फर्जी वोट गिरा रहे थे वहाँ। तो वो फर्जी वोट गिरा रहे थे क्योंकि वो वोटर हैं 40 के, बूथ वार्ड नंबर 35 में वो क्या कर रहे थे। कुछ जगहों को छोड़ दिया जाए तो 23 जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। 68 नगर निकायों में से 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद और 49 नगर पंचायत में वोट डाले गए। अब 1665 पदों के लिए 11127 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका परिणाम एक दिन बाद यानी 30 दिसंबर को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अनार उगा के हर साल एक एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।